इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब कर लिया। ऐलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब बलदियाती इंतखाबात केस की समाअत 18 अक्टूबर 2022 को करेगा। ऐलामिया में कहा गया है कि बलदियाती इंतखाबात कवानीन में बार बार तरामीम पर बिला जवाज ताखीर पर नोटिस लिया गया। तर्जमान के मुताबिक पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद फौरी यकीनी बनाया जाए। वफाकी वजारत दाखिला ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। वजारत दाखिला के खत के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात और बलदियाती इंतखाबात मुलतवी किए थे। सैलाब और उसके बाद बीमारियों बिलखसूस डेंगू ने सूरत हाल मजीद ख़राब कर दी। खत में कहा गया है कि पाक फ़ौज और FC वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। वफाक और सूबों की ज़्यादातर तवानाइयाँ और वसाइल बहाली के लिए काम में लगे हुए हैं। वजारत दाखिला ने खत में दावा किया है कि मुस्तनद इत्तला'आत हैं कि एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। मुहासरे की ये तारीखें 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात से मुताबिकत रखती हैं। इस्लामाबाद में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए भारी नफरी दरकार होगी। ऐसी सूरत हाल में आर्मी रेंजर और FC पर शदीद दबाव होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि फ़िलहाल गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की गुंजाइश नहीं है। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मोडीज़ रेटिंग एजेंसी ने चंद खदशात की बुनियाद पर हमारी रेटिंग कम करके ज़्यादती की है। इन्हें खदशा था कि हम अपने कर्ज़े रीशेडूल कराने पेरिस क्लब जाएँगे। इसहाक़ डार ने कहा कि हमारा लंदन या पेरिस क्लब जाने का कोई इरादा नहीं है। लंदन क्लब और पेरिस क्लब जाने से एतमाद मजरूह होता है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में अपने बॉन्ड्स की मेजोरिटी की तारीख बढ़ाने का भी कोई इरादा नहीं है। इसहाक़ डार ने कहा कि अगले 12 माह के दौरान 22 अरब डॉलर की बैरूनी वाजबात अदा करने हैं और 12-13 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट खसारा है। यूं हमें एक साल में 34-35 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग करनी है। इंशाल्लाह इसका बंदोबस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉलर 200 से कम होगा, ये हफ्तों की नहीं दिनों की बात है। डॉलर की असल कदर वो नहीं जिस पर वो पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.29% इजाफे के बाद 29.44% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने बताया कि महंगाई में इजाफा अशिया खुर्दोनोश में रिकॉर्ड किया गया और एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर की फ़ी किलो कीमत 48.45 रुपये और प्याज की फ़ी किलो कीमत 12.69 रुपये बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 390 ग्राम पाउडर दूध की कीमत में 6.82 रुपये इजाफा हुआ। केले 2 रुपये फी दर्जन और मटन 2.54 रुपये फी किलो महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने बताया कि चावल, दूध, दही, बीफ, चीनी, साबुन, अंडे और ब्रेड महंगी हुई, जबकि हालिया हफ्ते 14 अशिया की कीमतों में कमी और 20 में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सिक्योरिटी पर अस्करी इदारे के रिटायर्ड अफसर की तैनाती के लिए सीट की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सिक्योरिटी के लिए कैपिटल सिटी पुलिस लाहौर में 19वें स्केल के चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सिक्योरिटी की मंजूरी दी गई है। काबीना की कायमा कमेटी बराए फिनांस की मंजूरी के बाद जल्द भर्ती के लिए इश्तहार दिया जाएगा।